हेलो व्यूअर्स, मैं आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ प्यारा सा हैंडबैग क्रोशी से बना हुआ। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मैं सारी जो वीडियोस डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में सबसे पहले आए। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें 12 नंबर का क्रोशिया और ऊन, क्योंकि मैंने वो पार्ट्स ऊन से बनाए हैं। आप कोई भी कलर ऊन का यूज कर सकते हैं और इस तरह के आप मोती उसमें यूज कर सकते हैं, इस तरह से ब्लैक मोती, और इस तरह के भी आप मोती यूज कर सकते हैं। और मैं अपने बैग में गोल्डन कलर के मोती यूज करूंगी इस तरह के, तो आप इस तरह के मोती भी यूज कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शनल है, ये आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमें कुंदे चाहिए होंगे दो इस तरह के और दो इस तरह के ओपन, तो ये भी और कुंदे भी ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, विदाउट इसके भी हम बैग बहुत ही प्यारा बना सकते हैं। तो और ये हमें चाहिए होगी इस तरह की वायर दो हैंडल्स के अंदर यूज करने के लिए, तो इस तरह की दो वायर चाहिए होंगी। ये भी वेस्टेड, सारी चीजें मेरे पास वेस्टेड हैं, वेस्टेड चीजों से मैंने ये बैग बनाया है। तो ये वायर भी मेरे पास पड़ी हुई, तो मैंने ये वायर लगाई है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस में स्पाइरल हैंडल सर्च करेंगे तो आप उस स्पाइरल हैंडल भी इसमें लगा सकते हैं, वो भी मैंने ऊन से बनाया हुआ है। तो और उसके बाद हमें चाहिए होगा सीडी, जो हमें साइड में बैग के साइड पार्ट में लगानी है। आप सीडी की जगह ये वाली फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी स्मज नहीं होती है तो ये फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारा सामान हमें इस बैग में चाहिए होगा विदाउट वायर के। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ये वाला पैटर्न मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले ये पैटर्न हमें बनाने हैं, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ क्रोशिया लेंगे। यहां पर हमने चेन बनाना है, सिंपल तरीके से हमने चेन बनाना है, वो मैं बताती हूँ हमें कितना चेन बनाना है। तो यहां पर हमने 70 चेन ली हुई है, 70 चेन हमने यहाँ पर बनाई है। ये पूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक 17 चेन है, 70, तो 70 हमने चेन ली है। तो मैं यहाँ छोटा सा नमूना आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। देखिए इस तरह से चेन बनाने के बाद तो ये टोटल मेरा हाफ डबल क्रोशिया से बना हुआ है, वो इस तरह से लेना है हमें। एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हमने यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया निकालना है, तीन का एक कर देना है, धागा डबल करेंगे, नेक्स्ट चेन में इस तरह से लेंगे। यहां पर हमारे पास तीन लूप्स नजर आ रहे हैं, तीन लूप्स का हमें एक लूप कर देना है इस तरह से। तो ये हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से हमने ये सारी लाइन कंप्लीट कर लेनी है हाफ डबल क्रोशिया की। तो लास्ट तक मैं इसको बना के आपको बताती हूँ कि मैंने फिर इसको कैसे बनाया है आगे। बहुत ही प्यारा बैग है ये, एकदम यूनिक स्टाइल में, बिल्कुल रेडीमेड जैसा दिखाई देता है, जैसे आपने मार्केट से खरीदा हो। तो ये हमारा लास्ट हो गया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, इसको पलट देंगे और फर्स्ट चेन में से तीन लूप्स का एक कर देंगे, सेकंड में तीन लूप्स का एक। इसी तरह से आपको बनाते हुए जाना है। जब आप इसको पलटेंगे तो एक चेन लेने के बाद फिर आपको और लूप्स लेने हैं। इसी तरह से आपको जब आप यहाँ आएंगे, लास्ट हो जाएगा तब आप इसको पलट देंगे, उसके बाद फिर एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद पहली चेन में इसको हाफ डबल क्रोशिया से बनाना है। देखिए एक बार और दिखा देती हूँ मैं, ये हमारा सेकंड लास्ट और ये लास्ट। देखिए इसके बाद ये चेन लेना है एक, इसको आप पलट देंगे तो यहां पर हमें दो चेन नजर आ रहे हैं। देखिए दो चेन नजर आ रहे हैं, ये जो एक पहला चेन हमने लिया है इसमें नहीं लेना है, इस चेन में लेना है। इस चेन में हमको
क्रोशिया निकालना है, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया से ये सारा पैटर्न बनाना है। ये सारा पैटर्न हमने बना के, अब मैं ये बताती हूँ कि इसके हमें दो भाग बनाने हैं। ये देखिए मैंने दो भाग इसके बनाए हुए हैं और एक भाग में हमारे कितने लाइंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं आपके सामने गिन के बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32 यानी 32 लाइंस हमें यहाँ बनानी है। 32 रो है हमारी पूरी, ये एक पैटर्न में 32 हैं और दूसरे में भी 32 के हमें ये दो पैटर्न बना लेने हैं। तो यहाँ मैंने रेडी किए हुए हैं। उसके बाद देखिए इनको मैं अलग रख देती हूँ। उसके बाद हमें इनके साइड का पार्ट बनाना है। दूसरा बैग मैं आपको दिखाती हूँ, जो साइड का पार्ट बना हुआ है, देखिए ये जो साइड का पार्ट बना हुआ है इसमें मैंने यूज किया है घर में बेकार पड़ी हुई सीडी। इस सीडी का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है। ये सीडी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और अगर सीडी नहीं है तो इस टाइप का आपके पास पेपर मार्केट में मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला पेपर है, ये फॉर्म है एक तरह की, जो कि जैसी है वैसी ही रहती है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होती बिल्कुल भी। ये इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सीडी का यूज किया है, तो सीडी तो कहीं भी मिल जाएंगी किसी भी शॉप पर, तो आप सीडी का यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस बैग में सीडी का यूज किया है और इस बैग में मैंने इस फॉर्म का यूज किया है। ये जो फॉर्म है ये मैंने इस जगह यूज की है इसके अंदर। अब मैं बताती हूँ कि ये राउंड सर्कल हमें कैसे बनाना है। तो पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब इस सर्कल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसी धागे से आपको बताती हूँ सर्कल कैसे बनाना है। तो ये सर्कल देखिए, ये सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे, इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। इसको इस तरह से जहां हमने पकड़ लिया है क्रॉस पे से, और इसके अंदर से क्रोशिया निकाल के इस धागे को हम ऐसे निकाल लेंगे। इस धागे को निकालने के बाद यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे चेन के जैसा। उसके बाद हमें यहाँ पर 7 हाफ क्रोशिया बनाना है, ऐसे 2 का 1 कर देना है, 2 लूप्स और 1 लूप्स। इस तरह से हमें यहाँ पर 7 हाफ क्रोशिया लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद इसको हम टाइट खींच देंगे, और जो फर्स्ट चेन है हमारी, ये देखिए ये जो फर्स्ट चेन है इसमें से हम स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट जो चेन है इसमें से एक बार हमने हाफ क्रोशिया निकाला और 2 बार निकाला। इस तरह से हमें हर एक चेन में से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हाफ क्रोशिया निकालना है, क्योंकि ये टोटली हाफ क्रोशिया से बना हुआ है। ये सर्कल पूरा हाफ क्रोशिया से बना हुआ है, इसलिए हमें हाफ क्रोशिया का ही यूज करना है। एक में से 2 बार हम निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ डबल फंदे हो जाएंगे, 7 का 14 हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा लास्ट हो गया, लास्ट कंप्लीट। इसके बाद हमारी जो ये चेन है और ये चेन है, दो चेन हमें नजर आ रही हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट चेन है
इसमें हम एक बार क्रोशिया निकालेंगे। क्रोशिया निकालने से पहले अगर आपको परेशानी होती है कि हमारा एंड कहां पर है, तो हम इसके लिए यहां पर दूसरा कलर यूज कर लेंगे। तो मैं आपको यहां पर दूसरा कलर यूज करके दिखाती हूं कहां पर हमारा एंड स्टार्ट है। यहां हमारा एंड और स्टार्ट दोनों ही है, तो हमने ये ऊन यहां पर लगा ली है। तो पहली चेन में हम यहां पर सिंगल क्रोशिया, उसके बाद दूसरी चेन में हमें दो बार क्रोशिया निकालना है, ये दो बार। पहली चेन में हमें एक बार निकालना है, दूसरी चेन में हमें दो बार डबल क्रोशिया हाफ क्रोशिया निकालना है, एक बार, और ये एक चेन में से दो बार, एक बार, एक चेन में से दो बार। इसी तरह ये लास्ट लाइन तक हमें कंप्लीट करना है। ये हमारा लास्ट लाइन तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है। अब हम क्या करना है कि जो हमारे हमारी जो अब रो शुरू होगी, इसको इसके लिए हम इस धागे को पीछे कर लेंगे थोड़ा। तो जो ये हमारा पहला क्रोशिया है, ये देखिए पहला क्रोशिया है, चेन है, उसमें से हम एक बार, दूसरे में से भी एक बार, और तीसरे में से हम दो बार क्रोशिया निकालेंगे। यानी कि एक बार एक चेन में से, एक बार एक चेन में से, और तीसरी चेन में से हमें दो बार निकालना है। तो इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमारा सीरियल चलता जाएगा। पहली लाइन में हमने एक सिंगल एक डबल लिया है, दूसरी लाइन में दो सिंगल एक डबल हो गया हमारा, तीसरी लाइन जो आएगी हमारी उसमें तीन सिंगल एक डबल आएगा, चौथी लाइन में हमारे चार सिंगल एक डबल, फिर पांच सिंगल एक डबल, छह सिंगल एक डबल, सात सिंगल एक डबल, इस तरह से आपको बनाते जाना है। तो ये हमारा सर्कल रेडी हो जाएगा। और ये हमने बनाया है 12 सिंगल एक डबल तक हमारा ये बन रहा है, 12 सिंगल और एक डबल तक ये बन रहा है। उसके बाद हमारे पास दो रो हमने बनाई है जो सिंगल सिंगल की बनाई है, जिसमें हमने डबल नहीं लिया है, दो रो हमने सिंगल सिंगल की बनाई है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न तैयार हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर कपड़े का यूज करना है दूसरी साइड में। इस तरह से हमें यहाँ पर कपड़ा सिल देना है। अंदर की साइड हमने कपड़े का यूज किया है, इसी पैटर्न से आप नाप के काट लीजिए एक्स्ट्रा। आप इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैंने सिलाई लगाई है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा थोड़ी रो हमने एक एक रो हमने दोनों साइड से छोड़ दिया है, ताकि हम जब सिलें तब सिलाई की हमें परेशानी ना आए, सिलने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने ये एक रो हमने छोड़ दिया। सिलाई हमारी यहाँ पर लगी हुई है, तो हमने थोड़ा सा हिस्सा इसमें छोड़ दिया है, तब हमने ये कपड़ा यूज किया है। तो इस तरह से दोनों पैटर्न में हमें कपड़ा लगा लेना है। अब आई इनके हैंडल्स की बारी। तो देखिए हैंडल्स में भी मैंने वही पैटर्न यूज किया है जो मैंने इसमें यूज किया है। तो इसमें मैंने लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चेन मैंने इसमें ली हैं। 11 चेन में हमारा 9 हाफ डबल क्रोशिया का ये पैटर्न आएगा। 11 चेन लिया है हमने, 11 में हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया का पैटर्न आएगा। वो आप जब अगर वायर लगा रहे हैं आप, तो उससे आप इस तरह से नाप के देख लीजिए कि वो वायर कितने हिस्से में आएगा, उस हिसाब से हम इसको चेन को बनाते हैं। तो चेन का नाप हम इस वायर से लेते हैं कि हमारे वायर में चेन आसानी से इस तरह से आ जाए। उसके बाद हम ये पैटर्न शुरू करते हैं। तो ये पैटर्न की लंबाई है लगभग ये देखिए मैंने आपको बताती हूँ, पैटर्न की लंबाई लगभग हमारी
हैंडल्स आप अपने अनुसार लंबे छोटे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर 8.5 इंच का, सॉरी 18 इंच का, मैंने 18 इंच का पैटर्न मैंने यहाँ रेडी किया है। 18 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 1.5 इंच, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से हमें हमारे यहाँ पर इसके हमें दो पार्ट रेडी करने हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट दोनों साइडों में आएंगे। उसके बाद हमें ये वायर इस तरह से इसमें जॉइंट कर लेना है। मैं वायर को आपको बताती हूँ किस तरह से आपको जॉइंट करना है हैंडल में। देखिए इस कल इसमें मैंने दो कलर यूज किए हैं, इस वाले बैग में, इसके हैंडल्स में मैंने दो कलर यूज किए हैं, ये एक और दो। और इसको मैंने सिर्फ एक ही कलर से बनाया है, आप मन चाहे जितने कलर आप यूज कर सकते हैं अपने बैग में। तो इसको सिलना इस तरीके से है, नॉर्मल तरीका है बिल्कुल, एक साइड इस साइड से उठाना है, एक साइड इस साइड से, और इसको सिल देना है। तो इस तरह से इसको सिलते हुए जाना है, नॉर्मल तरीका है बिल्कुल, एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, इस तरह से आप इसको सिलते जाइए। आप चाहे तो इसको क्रोशिया से भी सिल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ क्रोशिया से किस तरह से सिलना है। अगर आप क्रोशिया से सिल रहे हैं तो वायर इसमें मत लगाइए, वो बाद में आपको लगाना होगा। तो एक हिस्सा आप यहाँ से उठाइए और एक हिस्सा यहाँ से उठाइए, इसमें आप एक नॉट लगा दीजिए और इस तरह से आप इसको टाइट कर दीजिए। फिर एक साइड हमें ये उठाना है, दूसरा साइड ये उठाना है और हाफ क्रोशिया से इसको सिलते जाना है, एक साइड ये, एक साइड ये, हाफ क्रोशिया से इसको सिल देना है। आप चाहे सुई का इस्तेमाल करें वो भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप क्रोशिया का यूज भी कर सकते हैं। तो इस क्रोशिया से जब आप सिलेंगे तो इस तरह से ये नजर आएगा। उसके बाद आप इसमें वायर इस तरह से डाल दीजिए, वो आसानी से वायर इसके अंदर चला जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको सिल सकते हैं। तो मैं अब बताती हूँ आपको कि चेन हमें कहाँ यूज करना है। तो देखिए ये दोनों पार्ट हैं, यहाँ पर जहां पर हमें ये चेन नजर आ रही है, जिस साइड में ये चेन हमारी है जहां पर हमने ये बंद किया है, तो वो साइड हमें लेना है और उस साइड में हमें ये चेन ये देखिए उस साइड में हमें ये चेन यूज करनी है। यहां पर हम इसको यहां सिल देंगे, चाहे तो आप हाथ से सिलिए या फिर मशीन से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सिलना चाहते हैं। ये दोनों ही सूरत में नजर अच्छा नजर आएगा, मशीन से भी आप इसको सिल सकते हैं और हाथ से भी। तो इसको यहाँ ये दोनों पार्ट हमें जॉइंट कर देना है इस तरह से। इसके बाद लूप्स के लिए भी हमें दो पट्टी तैयार करनी होंगी इस टाइप के। तो यहाँ पर हमें लूप्स के लिए दो पट्टी हमें तैयार करनी है, तो वो हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए उसको उसके बारे में मैं बताती हूँ।
कि वो किस तरह से बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हम चेन बनाएंगे इस तरह से, जैसे हमने इसके लिए पार्ट फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए हमने चेन बनाई थी। तो हम यहाँ पर 9 चेन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 चेन लेने के बाद चेन हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हाफ डबल क्रोशिया से हमने पैटर्न बनाया है पूरा, तो चेन भी उसी पैटर्न से बनेगी हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी इस लूप की पट्टी बनेगी, इस चौड़ाई लगभग मैंने आपको बताती हूँ चौड़ाई है 1 इंच। तो यहाँ पर हम एक चेन ले लेंगे बैक साइड से, फर्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया, सभी चेन्स में वन बाय वन हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें सभी चेन्स में से हाफ डबल क्रोशिया ले लेना है। और मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसकी लंबाई कितनी रखनी है जो परफेक्ट रहेगी। लास्ट हमारी हो गया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसकी लंबाई हमें लगभग कितनी रखनी है। तो इसकी लंबाई हमारे पास लगभग 2.5 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे, क्योंकि हमारा कुछ हिस्सा इसमें अंदर चला जाएगा सिलाई में, तो हमें इसकी पट्टी की लंबाई लगभग 2.5 इंच रखनी है। तो आप लगभग 2.5 इंच की पट्टी दो बना लीजिए, दो पट्टियां इसकी 2.5 इंच की बन जाए बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की होंगी 2.5 इंच की दो पट्टियाँ। देखिए दो पार्ट मैंने ये रेडी कर लिए हैं। ये मैंने येलो कलर के यूज़ किए हैं, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर सर्कल बनाया है वो येलो कलर का बनाया, तो मैंने इससे मैच किए हैं ये। तो और इनको हम साइड में रख देते हैं। हमने इसके हैंडल्स भी बना लिए हैं, देखिए हमने इसमें वायर भी लगा लिया है दोनों हैंडल्स में, दोनों हैंडल्स हमारे तैयार हैं, वायर हमारा इसके बराबर ही है। और थोड़ा सा हमें इसको खींचना होगा, खींचने के बाद ये बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से जो ओपन हमने छोड़ा हुआ है जगह, हम इसको अपने बैग में ज्वाइंट कर देंगे। तो इनको हम साइड में रख देते हैं। ये है हमारा बैग का पार्ट। अब हमें क्या करना है, इस बैग में जो ओपन पार्ट है हमारा, जो खुला हुआ भाग है, हमें इसे अब बंद करना है, क्योंकि वो हमने इसलिए खोला था ताकि हम ये चैन उसमें ज्वाइंट कर सकें मशीन से। अगर आप मशीन से चैन ज्वाइंट करना चाहते हैं तो ये आपको ये ओपन पार्ट दो ओपन रखने होंगे, उसके बाद हमें ये पार्ट हमें सिल देना होता है। तो अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो वो किस तरह से ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ज्वाइंट करने के लिए हमने सेम धागा लेना है, और सेम धागा लेने के बाद हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट बनाने के बाद ये दोनों हिस्से हम पकड़ेंगे और इस हिस्से को हम इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे फर्स्ट चेन में, और यहाँ पर हम फर्स्ट चेन में इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे, और इसको यहाँ से निकालते हुए और इसमें से हम ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरह से निकालने के बाद नेक्स्ट जो हमारी चेन है वो देखिए दिख रहा है, ये नेक्स्ट चेन में से इस तरह से लेंगे और इधर वाले पार्ट में से इस तरह से लेंगे, और जो ये धागा है हमने जो नीचे से निकाला हुआ है, इसको हम ऐसे निकालते हुए जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे। आप चाहें इसको सुई से भी इस तरीके से सिल सकते हैं, बट वो बहुत अलग नज़र आता है, और इस तरह से ये चेन के जैसा ही नज़र आएगा। तो एक हिस्सा इधर की साइड से लेना है, एक हिस्सा इधर की साइड से लेना है,
और इसको इस तरह से निकालते हुए जाना है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा के दिखा देती हूँ, जिससे ये पता चलेगा कि ये कितना क्लियर और कितना अच्छा लगता है सिलने में और साफ सुथरा और सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए इस तरह से इसको सिलते हुए जाना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से यहाँ पर चेन नजर आएगी जो कि बिल्कुल सिलाई की जैसी है। तो इसी तरह से ये पूरा पार्ट आपको यहाँ तक सिल लेना है सेम। तो मैं कंप्लीट करके बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सिलाई। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसको एक चेन लेकर इसको हम बंद कर देंगे, नॉट लगा देंगे यहाँ पर। और जो हमारे पास पैटर्न के जो भाग था, पैटर्न का भाग खुला हुआ, उसको भी हम एक बार नोट कर देंगे यहाँ, जिससे कि ये खुले ना। दोनों को हम नोट कर देंगे इस तरह से। और इस साइड में भी हमारे पास दो हैं, तो इनको भी हम बांध देंगे। अब देखिए ये कुछ इस तरीके का हमारा पैटर्न रेडी हुआ है। देखिए किस इस तरह का। अब हमें इसके साइड के पार्ट हमें जोड़ने हैं। ये देखिए ये वाले पार्ट हमें लगाने हैं, ये वाले। तो इसको हमें किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको ज्वाइंट करने के लिए मैं यहाँ पर इस कलर का ही इस्तेमाल करूंगी। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद इसको हम लूप को छोड़ देंगे और जो हमारा जो पैटर्न हमने जहाँ पर ख़त्म किया था ये वाला, उस हिस्से को हम नीचे की साइड रखेंगे और इन चेन्स को हम अंदर कर देंगे और एक साइड हम इसकी पकड़ लेंगे और एक साइड हम इसकी पकड़ लेंगे। तो देखिए इस वाली ऊन को हम अंदर कर देंगे और कोने में हम क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से और एक साइड हमें ये ले लेना है। तो उसके बाद जो लूप हमने छोड़ा है उस लूप को इस तरह से क्रोशिया में हम डालेंगे, धागा उंगली पर लपेट लेंगे और इसको हम दोनों पार्टों में से इस लूप को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे इस तरह से। देखिए आप देख पा रहे हैं। तो देखिए चेन लेने के बाद इस पार्ट को और इस पार्ट को हम साथ पकड़ेंगे और जो धागा है ये वाला, ये इसको हम अंदर की साइड कर देंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास चेन नजर आ रही है, इसमें थोड़ा थोड़ा चेन नजर आती है, तो इसमें से आप एक चेन इस साइड से उठाएंगे, इस एक चेन इस साइड से उठाएंगे और इसको हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चेन इस साइड से और एक इन दोनों को लेकर, ये देखिए दोनों को लेकर इस तरह से हाफ क्रोशिया, ये साइड एंड ये साइड, दोनों साइड उठाएंगे और हाफ क्रोशिया बनाएंगे। दोनों साइड हमने उठाए हैं, ये साइड और ये साइड हाफ क्रोशिया। ये साइड जब उठाएंगे आप तो दो धागे एक साथ लीजिए इस तरह से, सिंगल धागा नहीं लेना है। तो इस तरह से उठाएंगे और चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये चेन नजर आएगी। तो ये चेन हमारा किनारे के जैसा, किनारे किनारे पर हमारे पास ये येलो कलर की चेन आएगी। तो इस तरह से हमें ये पूरा किनारा कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके में इधर फंदे ज़्यादा हैं और इधर कम हैं तो आप इधर से थोड़ा डबल कर दीजिए फंदे को, एक जगह से दो बार निकाल लीजिए और इधर से एक जगह से एक बार निकाल दीजिए, तो ये दोनों पार्ट लेबल में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको बनाते हुए जाइए लास्ट तक। तो मैं लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ज्वाइंट हुआ है। देखिए ये मैंने कंप्लीट सिल लिया है चारों तरफ से, ये चारों तरफ से मेरा सिल चुका है, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे और लंबा सा थोड़ा धागा निकालते हुए
और इसको हम काट लेंगे इस तरह से। ये लंबा धागा थोड़ा हमने छोड़ लिया है ताकि हम यहाँ पर इसको सिल सकें, तो इसके लिए हमें बड़ी सुई का यूज करना पड़ेगा। और ये कुंदे हमें इसके अंदर डाल देने हैं इस तरह से, और ये धागा हमें साथ के साथ सिलते हुए दबाते हुए जाना है, और इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे। और यहाँ हम इसको इस जगह पर सुई की सहायता से यहाँ इसको टांग देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसको टांग देंगे इस जगह पर, यहां से लेके यहां तक हम इसको लगा देंगे इस तरह से। तो दोनों साइड हमें इस तरीके से लगा देना है, और सुई की मदद से इसको हम नॉर्मल तरीके से सादा बखिया करके हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये चैन हमारा और कुंदा हमारा यहाँ पर बन जाएगा। और जो इस कुंदे के लिए जो पट्टी बनानी है वो पट्टी सेम हमारे हैंडल्स की पट्टी की तरह बनेगी, सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने इस हैंडल बनाया है इतने ही साइज का, और इससे थोड़ी चौड़ी भी आप बना सकते हैं। और उसको भी हमें इसी तरह से हमें लगाना है, इस तरह से हमें लगाकर यहाँ पर यहाँ सिलाई लगा देनी है उसमें। जिस कलर का हमारा पट्टी है उसी कलर की हमें धागे से सिलाई लगा देना है, तो वो यहाँ इस कुंदे में आ जाएगी। आप उसमें चाहे बेल्ट लगाएं या ना लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें लगाना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी मर्जी है। आप लगा भी सकते हैं और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इस चीज को आप बिना इसके भी आप इसको बैग को बना सकते हैं। बिना कुंदे के भी ये बैग बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर ये बिना कुंदे के आप बना रहे हैं तो इसको आप जो चैन का हिस्सा है ये, और जो ये हिस्सा है देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप यहाँ पर टाका लगाकर पहले इसको ज्वाइंट कर दीजिए। यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं इधर उधर, तो उसके बाद आप इस चेन को बंद करेंगे तो ये खिंचेगा नहीं। तो इसको आप बैक साइड में ले जाकर इसको ज्वाइंट कर दीजिए अंदर की साइड से, इसी कलर के धागे से आप इसको ज्वाइंट कर दीजिए। तो इस बैग में मैं इन कुंदों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, वो तो मैंने आपको बताने के लिए कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह के कुंदे जो मैंने उस वाले बैग में लगाए हैं उस तरह से भी आप बना सकते हैं, और इस विदाउट इन कुंदों के भी आप इस बैग को बना सकते हैं। चलिए यहाँ सर मैंने ये धागा निकाल दिया है, तो इसको हम इसमें सुई निकाल कर इनको हम इस तरह से यहाँ तक हम इसको सिल लेते हैं। देखिए मैंने ये भाग टाके से जो मैंने धागा छोड़ा हुआ था सुई से मैंने उसको टाका लगा दिया है, और जो हमारी चेन के जो पार्ट्स आ रहे थे वो मैंने यहाँ मोड़कर यहाँ पर भी एक एक टाका दोनों साइड में लगा दिया है। तो देखो देखिए इस तरह से वो नजर आएगा इस तरह से। अब हम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी लगा लेंगे, तो मैं दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए दोनों साइड हमारे ये दोनों पार्ट लग चुके हैं दोनों साइड में। यहाँ हमारी चेन है, अब जो ये हैंडल्स हैं देखिए ये हैंडल्स हमें इस तरह से बराबर बराबर पार्ट्स में हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये जो है एरिया है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो पर हम इसको रख लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा देना है, और ये इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए बैक साइड से भी ज्वाइंट हो जाएगा इस तरह से ही, हमें ये वाला पार्ट पूरा सिलाई लगाकर हमें ज्वाइंट कर लेना है, ये और ये, और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आप बराबर रखिएगा। जितना भी आपको पास में इसे लगाना है, चाहे आप इतना पास लगाएं या फिर इतना पास लगाएं, वो आप इसको नाप कर बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड कर दें, उसके बाद इनको आप सुई से ज्वाइंट कर दें, और सेम आपको इस तरह का धागा ही यूज करना है। तो मैं हैंडल्स को ज्वाइंट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने इसमें ये हैंडल्स जो ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों साइड से, तो इसकी शेप कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। देखिए इस तरह से इसकी शेप नज़र आएगी, बहुत ही प्यारा बनकर आता है। आप बिल्कुल सिंपली आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी बहुत ही प्यारा नज़र आता है ये बैग। और मैं इसमें ये गोल्डन मोती लगाने वाली हूँ, जो इस तरह से मैं
पास पास इसमें चारों तरफ दोनों साइड्स में लगा दूंगी। तो इसकी पिक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा ये प्यारा सा बैग रेडी हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बैग आपको कैसा लगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगी वो सब उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।